जो है ये कैंपेन और इसके बारे में अवेयरनेस जो है ये हमने बहुत पहले से शुरू किया हुआ है। हमने बहुत सारे इसमें जो रैलीज वगैरह है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह जो है, सेमिनार्स, डिबेट्स वगैरह हमने लेह में भी किया, करगिल में भी हमने किया, तो द्रास में ये बकाया था। और द्रास जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, ख़ासतौर पर विंटर्स में आपने देखा होगा कि यहाँ का जो माहौल है कितना बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे हमने कभी स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पिछले दिनों में लॉकडाउन भी रहा, तो हमने ये सोचा कि ये सही मौका है, अभी स्टूडेंट्स भी कॉलेजेस में आ रहे हैं, इनसे इंटरेक्ट किया जाए, इनको न्यू जो मोटर व्हीकल्स अमेंडेड जो एक्ट है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, और जो ट्रैफिक सेफ्टी और ट्रैफिक जो पूरा सिनारियो है लद्दाख का, इसके बारे में जो है लोगों को अवेयर किया जाए, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली, ताकि ये यहाँ से जाके अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के साथ और यहाँ के सोसाइटी में जाके लोगों में ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में जो हमने रोड सेफ्टी इंजीनियर के थ्रू हमने जो स्टडी कराई पूरा यूटी लद्दाख में, उसके बारे में, ट्रैफिक के बारे में जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसके बारे में अपने फैमिली में भी, अपने फ्रेंड्स में और लोगों में उस अवेयरनेस को जो है वो स्प्रेड करें, ताकि ट्रैफिक जो है वो पूरा लेह करगिल में अच्छा चले और जो है एक्सीडेंट जो हैं हम उनको कम कर पाए। सर, बड़े लोगों ने हमारे पास ये सुझाव लाया कि बाईपास जो है वो द्रास में बनना चाहिए। ये जो आपका प्रपोज़ल है ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, बाईपास बनना चाहिए, और ये जो आइडिया है और आपका जो ये प्रपोज़ल है, मैंने इसको नोट किया है, मैं अपने डिपार्टमेंट के नोटिस में ये लाऊंगा, और हमारा जो यहाँ पे ट्रैफिक स्टडी हो रहा है जो हमने द्रास में भी किया, करगिल में, जांस्कर में, नुब्रा में, लेह में, उस प्रपोज़ल में जो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे हम उसमें ये ज़रूर डालेंगे।